नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पवार महर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। अपना फैसला बदलें, पहलवानों से हरीश रावत की अपील। गंगा में मेडल प्रवाहित करने के फैसले पर कही ये बात। देहरादून में बारिश के साथ गिरे ओले, सोमेश्वर में पॉली हाउस जमीन दोज, फसलें बर्बाद, ऑरेंज अलर्ट जारी। बाहरी अराजक तत्वों के खिलाफ व्यापारियों का जबरदस्त प्रदर्शन, पुलिस ने की मांग, नाबालिग को भगाने से जुड़ा है मामला। हरिद्वार में गंगा घाटों पर श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी, स्नान दान का है महत्व। असिस्टेंट प्रोफेसर की मौत पर यूकेडी ने सरकार पर साधा निशाना, आरोपियों को सस्पेंड करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। महिला पहलवानों के अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित करने के ऐलान पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने चिंता जताई है। उन्होंने मामले में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि मेडल लाने वाली बेटियां आज ये कदम उठा रही हैं, यह केंद्र सरकार की अनदेखी व घोर उपेक्षा का नतीजा है, जिससे खिन्न होकर महिला पहलवानों ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने पहलवानों से अपना निर्णय बदलने की अपील की है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। मौसम विभाग ने आगामी 2 जून तक बारिश और ओलावृष्टि के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई है। आज देहरादून में झमाझम बारिश हुई तो ओले भी गिरे। उधर सोमेश्वर में ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो गई। उत्तरकाशी के पुरोला में अराजकता फैला रहे बाहरी व्यापारियों के विरोध में स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े बजाकर प्रदर्शन किया। व्यापारी यूपी के 2 युवकों द्वारा नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश से इतने नाराज हैं कि उन्होंने आपराधिक और अराजक प्रवृत्ति के बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने की सख्त मांग की है। दबी जुबान ऐसी भी चर्चा है कि स्थानीय लोगों के जबरदस्त आक्रोश को देखते हुए कई बाहरी व्यापारी नगर छोड़कर चले गए हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पूरे देश में गंगा दशहरा पर्व काफी उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हरिद्वार में सुबह से गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। गंगा दशहरा पर गंगा स्नान के साथ ही दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर मनीषा भट्ट की मौत के मामले में राजनीति तेज हो गई है। उत्तराखंड क्रांति दल ने मामले में आरोपियों को सस्पेंड करने की मांग की है। यूकेडी ने कहा है कि दोनों अधिकारियों को अटैच किया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। दहेज उत्पीड़न से परेशान हल्द्वानी की एक शिक्षिका ने सुसाइड कर लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि सुसाइड करने से पहले उसने अपनी सहेली और मायके वालों को फोन करके सूचना दी। सहेली तुरंत मौके पर पहुंची भी, लेकिन शिक्षिका को बचाया नहीं जा सका। हरिद्वार में अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस शख्स का शव मिला है उसके दोनों हाथ भी कटे हुए हैं। पुलिस जमीन के विवाद में हत्या की आशंका जता रही है। मसूरी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां ओल्ड मसूरी रोड पर एक युवती हादसे का शिकार हो गई। युवती स्कूटी समेत खाई में जा गिरी। हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने रेस्क्यू कर उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया है। उत्तरकाशी जिले के गांव ब्लॉक के सियालना गांव में भालू ने एक ग्रामीण पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि आसपास अन्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने ग्रामीण को भालू के चंगल से छुड़ाया। अब ग्रामीण का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर भालू के हमले के बाद ग्रामीणों के होश उड़े हुए हैं। ग्रामीण अकेले बाहर निकलने से घबरा रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पंतनगर सिडकुल की बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में रेड डाली है। कई घंटों से फैक्ट्री में छापेमारी जारी है। फैक्ट्री का प्रोडक्शन इस दौरान ठप है। फैक्ट्री के कागजात खंगाले जा रहे हैं। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।